आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि तांबे का जो छल्ला पहनते हैं उंगलियों में, तो तांबे का छल्ला पहनने से क्या लाभ होता है, इसे क्या बड़े बड़े काम हो जाते हैं। देखिए, तांबा जो है वो हमारे जीवन में प्रयोग होने वाले एक मुख्य धातु है। तांबे को औषधीय धातु माना जाता है और ये विद्युत का सुचालक है और अग्नि तत्व से भरपूर है। यह ज्योतिष में मंगल और सूर्य से संबंध रखता है। यह शरीर के पित्त और वात को नियंत्रित करता है और तांबे का प्रयोग पूजा आदि कार्यों में अच्छा खासा होता है, ये आपको पता ही है। वैसे भी धातुओं का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अब हम आते हैं छल्ले के ऊपर। तांबे की अंगूठी पहनने से पेट से संबंधित सभी समस्याओं में लाभ होता है। यह पेट दर्द, पाचन में गड़बड़ी और एसिडिटी की समस्याओं में फायदा पहुंचाती है। अगर आप पेचिश की समस्या से परेशान हैं तो तांबे की अंगूठी इस समस्या में आपकी काफी मदद कर सकता है। ये शरीर पर भी हमारा अच्छा खासा असर करता है। तांबे के प्रयोग से शरीर शुद्ध होता है और इसके साथ ही हमारे शरीर से सारा विष जो है बाहर निकलता है। तांबे की अंगूठी को ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद बताया गया है, बल्कि नाखून और त्वचा से संबंधित समस्याओं के उपचार में भी ये फायदेमंद है। इससे पहनने से जो हमारी त्वचा है उसमें एक ऑटोमेटिक एक चमक आती है। यह अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो यह मंगल को मजबूत करके रक्त को ठीक करता है, साथ ही सूर्य को मजबूत करके उत्साह में वृद्धि करता है, पाचन तंत्र को तो काफी अच्छा ये कर ही देता है। तो उंगलियों में तांबे का अंगूठी धारण करने से शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी अच्छा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन की कमी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी राहत मिलती है। कई प्रकार के धातुओं में तांबा एकमात्र ऐसी धातु है जो सबसे प्राचीन मानी गई है। तांबे की अंगूठी पहनने से रक्त की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती है और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होती है। हाँ, इसके प्रयोग करने का अपना तरीका है। तांबे का छल्ला जो है आप अनामिका उंगली में धारण कीजिए। इससे सूर्य और चंद्र दोनों मजबूत होते हैं। इससे आपको आत्मविश्वास, साहस और जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता जाता है। तांबे की अंगूठी शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करती है। इसे पहनने से शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है और इसके साथ ही यदि आपका जो टेम्परामेंट है, यदि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो आपके गुस्से पर नियंत्रण करेगा। ये तांबे की अंगूठी तन और मन दोनों को शांत रखने में मदद करता है। आप में ऑटोमेटिक एक आत्मविश्वास पैदा होगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट। तांबे को आप कमर में भी पहन सकते हैं। यदि आप कमर में पहनते हैं तो इससे नाभि और हार्मोन्स की समस्या में सुधार होता है। तांबे का सिक्का यदि गले में धारण करते हैं तो दुर्घटनाओं से बचाव होता है। तांबे के पात्र का पानी पीने से शरीर जो है वो विषमुक्त होता है। पेट संबंधी समस्याओं से तो मुक्ति मिलती ही है। तांबे की अंगूठी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस अंगूठी को पहनकर आप शरीर के किसी भी भाग में आ रही सूजन को भी कम कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रहा हूं, सूर्य से संबंधित परेशानियों के लिए तांबे को काफी फायदेमंद माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक तांबे की अंगूठी पहनकर आप सूर्य से संबंधित सभी रोगों से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। हाँ, कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी पड़ेगी। तांबा जितना शुद्ध होगा उतना ही अच्छा होगा। तांबे के साथ यदि आप सोना मिश्रित करके पहनते हैं तो ये और अच्छी बात है। अगर तांबे के बर्तन प्रयोग करते हैं तो नियमित उसकी सफाई करते रहें। खाने वगैरह के लिए यदि आप उसका प्रयोग करते हैं, जिन लोगों को क्रोध की समस्या है उन्हें सोच समझकर तांबा पहनना चाहिए। मेष, सिंह
और धनु राशि के लिए तो तांबा हमेशा शुभ होता है। तांबे की अंगूठी का आध्यात्मिक महत्व है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को तांबे की अंगूठी पहनाई जाती है। मुख्य रूप से आध्यात्मिक साधना का जो मकसद है वो जीवन को सर्वोच्च बिंदु तक ले जाना होता है, और जब कोई साधक बहुत तीव्र साधना करता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह अचानक शरीर से मुक्त हो जाए, लेकिन शरीर पर धातु हो तो कुछ भी नहीं होता है। तांबा धातु हमेशा उस प्रक्रिया को बाधित कर देता है, क्योंकि वो शरीर के साथ आपका संपर्क मजबूत करता है। कुछ हद तक सोना भी ऐसा करता है, तो सोना पहनना भी अच्छा माना गया है। हम राशि की बात कर रहे थे तो मेष, सिंह और धनु के लिए तो बहुत अच्छा होता है। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लिए तांबा बहुत अनुकूल नहीं होता है। बाकी राशियों के लिए जो तांबा है वो बिल्कुल साधारण होता है। तांबे के पात्र में रखा गया पानी, जल पूर्णतया शुद्ध होता है। इसमें 0% बैक्टीरिया होता है, इसलिए इस पानी को पीने से कई प्रकार के लोगों में रोग जो है आपके रोगों में आपको लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।